हेलो एवरीवन माय नेम इज रिद्धि इस सीरीज में हम लोग समझेंगे पीएसआई और ऑप्शन हमें कैसे प्रिपेयर करना है तो मैं आपको थोड़ा सा अपने पॉइंट्स बता देती हूँ जो प्रॉब्लम मुझे आई थी जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही थी ताकि अगर आप रिलेट कर पाते हो उस चीज़ से तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए भी काम कर जाएगी या फिर जितने भी टॉपर से अभी तक हम लोगों ने बात की है और जो टॉपर से जिनका निकला है एग्ज़ाम तो उन्होंने भी यही सेम अप्रोच फॉलो करके ही निकाला था तो वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ अब हुआ कहते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो हम लोग स्टार्टिंग में ये देखते हैं कि पी एस आर ऑप्शनल का मटीरियल कौन सा अवेलेबल है मार्केट में या कौन सी किताबें चलती हैं तो किताबें तो मुझे मैंने बहुत ढूंढी थी मुझे मिल नहीं पाई थी कि कौन सी बुक्स मैं सिर्फ इतना चाह रही थी कि मुझे बुक्स बता दे कि कौन सी रेफ़र हो सकती है अब जब वो नहीं मिली तो बंदा मटीरियल देखता है तो मटीरियल जब देखा था तो उस टाइम पर सिर्फ शुभ्र रंजन मैम के नोट्स चलते थे इसके अलावा और कुछ नहीं था तो वो नोट्स लिए थे पर वो नोट्स ना स्टार्ट ही यूनिट टेन से हो रहे थे कि ठीक है इंपॉर्टेंट यूनिट है बट मुझे चाहिए था मेरी रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल थी कि मुझे यूनिट वन से कोई बता दे यूनिट वन से लेकर के यूनिट टेन तक या आगे की सारी एक सीरीज़ वाइज़ प्रॉपर क्रोनोलॉजी में कोई बताए कि कौन कौन सी यूनिट्स हैं इन यूनिट के अंदर टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मीनिंग एंड अप्रोचेस लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली यू पी एस सी मीनिंग पे क्वेश्चन और अप्रोच पे क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट तो पूछेगा नहीं तो क्वेश्चन इसमें से क्या पूछेगा कौन से टॉपिक्स मुझे इसमें से प्रिपेयर करके जाने हैं तो कोई मुझे ना ये बेसिकली टॉपिक्स बता दे इसके अंदर क्या होते हैं या फिर आप कह सकते हो एक स्ट्रक्चर बना के मुझे दे दे कि क्या मुझे पढ़ना है इसमें एग्जैक्टली exactly. ठीक है फिर वो चीज़ मुझे पता लग जाए कि यू पी एस सी पूछता किस टाइप से है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिकली क्योंकि अगर मुझे ये पता लग गया कि यूपीएससी क्या किस टाइप से पूछता है तो मुझे एक्जैक्टली exactly डिमांड पता लग जाएगी कि मुझे किन चीज़ों पे या किन लाइंस पर मुझे अपनी प्रिपरेशन रखनी है या किन टॉपिक्स पर मुझे ज़्यादा ज़ोर देना है क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि जितने भी यूनिट्स हैं सारी ही इतनी इम्पॉर्टेंट हो कुछ वेटेज टाइप का भी तो सिस्टम होता है ना कि कुछ यूनिट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं या कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो कोई मुझे अगर बता देता कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये हमें पढ़ने हैं इसकी ये वेटेज है इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता फिर नेक्स्ट चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी क्योंकि मैं थोड़े से इस टाइप की रही हूँ क्योंकि मुझे किसी के नोट्स पढ़ने पसंद नहीं है या फिर मैं उसको रेफ़र नहीं करती क्योंकि मेरे मन में हमेशा से वो डाउट रहता है कि पता नहीं दूसरे बंदे ने सारा कवर किया भी है या नहीं किया है या कितने टॉपिक छोड़ दिए हैं क्योंकि बहुत ही हेज़ी बहुत अनऑर्गनाइज नोट्स थे वो जिससे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या पढ़ना है इसकी क्या है ये चल क्या रहा है और वो हैंड रिटन नोट्स मिल रहे थे उस टाइम पर अभी तो मेरे ख्याल में प्रिंटेड आते हैं शायद बट उस टाइम पर सिर्फ हैंड रिटन थे उसमें एक तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि लिखा क्या है और मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि मैं इतनी महंगी कोचिंग ज्वाइन कर लेती तो वो भी एक प्रॉब्लम था कुछ मेरे हिंदी मीडियम के फ्रेंड्स भी थे उनके साथ तो और भी मेजर प्रॉब्लम थी कि उनको उनके पास तो मटीरियल ही अवेलेबल नहीं था कुछ भी मार्केट में कुछ भी नहीं था अवेलेबल तो वो एक मेजर प्रॉब्लम है अब नेक्स्ट चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे चाहिए थी कि अगर कोई मुझे बुक्स बता देता क्योंकि मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का ही रहा है मेरा ग्रेजुएशन मेरा मास्टर्स सब कुछ उससे रहा है इनफैक्ट राजीव भार्गव की किताब यूपीएससी के लिए रेफ़र की जाती है पी के लिए और राजीव भार्गव ने मुझे पढ़ाया भी हुआ है तो मुझे ये था कि मैं ऑब्वियसली किसी और के नोट्स क्यों रेफर करूँगी उस चीज़ के लिए जिस चीज़ में मैं ऑलरेडी मुझे मेरे प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं या बहुत अच्छी किताबें और मेरे पास ऑलरेडी नोट्स है फिर भी मुझे था कि अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है क्योंकि यू का हमेशा से ऐसा लगता है ना कि पता नहीं कितना बड़ा एग्ज़ाम है तो उसकी शायद हो सकता है कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट होती हो तो इसलिए मुझे बस इतना चाहिए था कि बुक्स मुझे कोई बता दे कि ये वाली बुक्स मुझे पढ़नी है और उस टाइम पर मैं जितनी भी वीडियोस भी देख रही थी यूट्यूब पर भी उसमें कहीं भी कोई ना बुक्स नहीं बता रहा था उल्टी सीधी सारी बातें की हैं किसी ने भी ये नहीं बताया कि किताबें कौन सी रेफ़र करनी है तो वो एक मेजर प्रॉब्लम थी तो अगर कोई इतना मेरे को क्रोनोलॉजी के हिसाब से बता दे तो प्रिपरेशन ना बहुत सिंपल हो जाती है बट मार्केट में बहुत ढूंढा था उस टाइम पर ये मिल नहीं रही थी चीज़ें फिर उस टाइम पर आ, मैंने खुद से थोड़ा सा सर्च करना स्टार्ट किया था थोड़ी सी रिसर्च स्टार्ट की उस टाइम पर फिर मैं अटैम्प्ट तो नहीं दे पाई थी आगे के क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है अगर कोई ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रहा है और किसी को पता है कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है तो मैं ये रेकमेंड करूँगी कि ग्रेजुएशन करते करते साथ ही अपने नोट्स बना लोगे ना तो टाइम बच जाएगा क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद मुझे ये समझ में आया कि इतना बड़ा फ्लॉ है जो मुझे नोट्स में मिल नहीं रहे हैं क्योंकि शुभ्र रंजन मैम के नोट्स मैंने देख तो लिए पर उसमें से जब मैंने क्वेश्चंस उठा के देखे कि यूपीएससी ने क्या पूछा है तो मेरे क्वेश्चन के आंसर बन नहीं रहे थे उसके लिए ये बोला जा रहा था कि आपको कुछ और अभी बुक्स रेफ़र करने की नीड पड़ेगी तो अगर मुझे किताबें रेफ़र करने करनी है तो मुझे किताबें ही बता दो ना फिर कौन सी पढ़नी है तो किताबों के नाम पे बोला जाता था कि सिर्फ एंड्रयू हेवुड और ओपी गोबा पढ़ लो और निकल जाएगा ऐसा कैसे हो सकता है दो किताबों से पूरा एग्ज़ाम कैसे आप कैसे कर पाओगे क्वेश्चन तो देखो कैसे आ रहे हैं मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये क्वेश्चन था 2009 का क्वेश्चन है सेबाइन का पूरी इसकी जो भी सेबाइन ने बोला हुआ है उसका पूरा इन्वर्टेड कॉमा में ये पूरा कोड दे दिया जॉन प्लेमेंस का पूरा कोड दिया हुआ है यहाँ पर अर्नेस्ट बार्कर का कोड दिया हुआ है ये कैसे ओ पी गोबा और एंट्री हेवुड से आप कर पाओगे तो उसके लिए आपको सेबाइन की अर्नस्ट बार्कर की इन पर्टिकुलर क्वेश्चन जॉन प्लेमेंस की इनकी ही किताबें रेफर करने की नीड पड़ेगी जैसे फॉर एग्जांपल जे एस मिल के क्वेश्चंस आए थे इसमें ठीक है थ्योरी ऑफ स्टेट में और अलग अलग जगह बहुत सारे थिंकर्स में भी पूछा गया था और तो जे एस मिल के क्वेश्चंस में एक प्रॉब्लम क्या है कि उनके क्वेश्चन के लिए आपको उन्हीं की बुक अगर आप एफ़र कर लोगे ना तो बहुत अच्छी रहेगी उनकी बुक है ऑन लिबर्टी की तो ग्रेजुएशन टाइम पे जब हम लोग पढ़ते थे हमारे प्रोफेसर्स ने वही बुक रेफ़र करके ही पढ़ाया होता था उसी के ही हमें एक नोट्स मिल जाते थे हैंड आउट्स ले लेते थे हम फोटो कापी शॉप से तो वो बहुत ईजीली अवेलेबल होते थे अगर कोई ले सकता है तो आ, अगर डेली में आप रहते हो तो डी के ही बाहर नॉर्थ कैंपस में बाहर आपको मिल जाएगा फोटोकॉपी शॉप वहाँ से किसी भी फोटोकॉपी शॉप से आप मांग लेना तो वो बहुत इजीली अवेलेबल है वो उतने उतने नोट्स मिल जाएंगे मतलब पूरी किताब लेने से बेटर है आप सिर्फ हैंड आउट्स ले लो थोड़े थोड़े जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लगते हैं कि मुझे सिर्फ इतना पढ़ना है उसका हैंड आउट लेके आ जाओ तो वो अगर आप एड ऑन कर लोगे तो वो अच्छा रहेगा आपके आंसर के लिए क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं कि मान लो जे एस मिल का आपने कोई उनके वर्ड्स इन्होंने कोई क्वेश्चन में पूछ लिए जो कि तीन साल लगातार सेम वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन पूछ लिया था तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करने हैं तो इसके लिए अगर आप जे एस मिल की ऑन लिबर्टी ही पढ़ो उसी के ही कोर्ट में देखो कि क्या लिखा हुआ है तो वो ज़्यादा बेटर हो जाता है तो इसमें मैं आपको बुक्स वगैरह सारे बता देती हूँ तो मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बता देती हूँ और जो ज़्यादातर टॉपर्स हैं वो भी ये सेम चीज़ फॉलो कर रहे हैं देखो क्या है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा कि पेपर वन में आपका सबसे पहले यूनिट क्या है तो पेपर वन का सेक्शन ए है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स इसका पहला यूनिट है पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग एंड अप्रोचेज़ अब सिलेबस देख के आपको ये पता लग गया कि पॉलिटिकल थ्योरी की मीनिंग है पढ़ना है हमने और अप्रोचेस पढ़ने हैं पर ये नहीं समझ में आएगा कि इसमें से इसमें टॉपिक क्या पढ़ना है टॉपिक्स के लिए हमें देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठीक है कि यू ने पूछा क्या है अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना तो मीनिंग में आप देखो वट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी ठीक है तो इसमें से हम क्वेश्चंस देखते हैं कौन कौन से ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं 2019 में क्वेश्चन पूछा था रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी अब आप एक चीज़ बताओ ये आपको यूनिट देख के पता लग रहा है कि, कि किसी कोई रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पूछ लेगा मतलब माइंड में भी नहीं आएगी वो चीज़ 2018 में पूछा था डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 2014 में ये मैं आपको बताई चुकी हूँ जॉन प्लेमेंट्स का क्वेश्चन था सेबाइन का देन uh, यहाँ पर 2008 में पूछा था चेंजिंग एनालिटिकल पर्सपेक्टिव इन द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी ठीक है तो पॉलिटिकल थ्योरी की पहले डेवलपमेंट पूछेंगे ठीक है उसके बाद उसका थोड़ा सा चेंजिंग एनालिटिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको बात करनी है अरनेस बाकर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था अरनस बाकर की मैं आपको बुक बता दूंगी इन सब की किताबें भी मैं आपको बता दूंगी अगर आप ख़ुद से नोट्स बना रहे हो तो बहुत सही रहेगा वो चीज़ क्योंकि क्या होता है ना अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो आप और तब नोट्स इवन पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हो तब भी अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हो उसमें एक फ़ायदा रहता है हमेशा ठीक है हम लोग कोचिंग है बट स्टिल एक फ़ायदा ये चीज़ रहता है कि अगर आप खुद से लिखते हो ना नोट्स बनाने में आपको लिखना पड़ता है तो खुद से लिख लिख के ना आप थोड़ी सी रिसर्च भी करते हो फिर आप ख़ुद से लिख के भी देखते हो तो उससे क्या होता है ना आपके माइंड में वो चीज़ बैठती जाती है तो उसी चीज़ की जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो ना तो वो चीज़ बहुत अच्छे से आपकी आपको समझ में आ जाती है बाकी ऑल दो हम लोग वन स्टॉप सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर हमने सारी बुक्स रेफर करके नोट्स बनाए हैं पिछले 40 साल के क्वेश्चंस हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी आप यहाँ पर देख रहे हो वो आप यहाँ से आप वेबसाइट पे जाके ये बुकलेट डाउनलोड कर सकते हो फ्री अवेलेबल है तो जो खुद नोट बना रहे हैं वो यहाँ से इस टाइप से ये क्वेश्चन देखें और नोट्स बना सकते हैं कि एटलीस्ट ये सारी सब हेडिंग सब टॉपिक्स तो आपको जानी है प्रिपेयर करके बट अदरवाइज ऑल्सो मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता दूंगी कि किन लाइन्स पर आपको प्रिपरेशन रखनी है फिर 1994 का क्वेश्चन था नेचर ऑफ क्राइसिस इन पॉलिटिकल थ्योरी ठीक है रेमेडीज टू ओवरकम इट ये बताना है फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है अब मीनिंग में से तो यही क्वेश्चन पूछे गए थे ठीक है नेक्स्ट आता है आपका अप्रोचेज़ वाला पार्ट अप्रोचेज में देखो सिर्फ अप्रोचेज की अगर मैं बात करती हूँ तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ठीक है ये सारे क्वेश्चन अप्रोचेज में से पूछे गए हैं बट अप्रोच को अब जब हम पढ़ते हैं तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है ट्रेडिशनल अप्रोच मॉडर्न अप्रोच अब आप पूछोगे कि ये हमें कैसे पता लगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है मॉडर्न अप्रोच क्या है तो ये चीज़ आपको जो आपकी ऑथेंटिक बुक्स हैं उसी से ही आपको ये चीज़ समझ में आएगी पता लगेगी ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपकी ये ट्रेडिशनल अप्रोचेज है ठीक है ट्रेडिशनल अप्रोचेज में से 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्मेटिव अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी मतलब कि नॉर्मेटिव अप्रोच पे क्वेश्चन पूछा उसके बाद 2012 में क्वेश्चन पूछा नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल थ्योरीज ऑफ पॉलिटिक्स के बीच में डिफरेंस बताना है नॉर्मेटिव वर्सेस एम्पेरिकल का डिफरेंस पूछा 2002 में क्वेश्चन पूछा नॉर्मेटिव वर्सेस एम्पेरिकल डिबेट अगेन वही सेम चीज़ फिर 2001 में पूछा कंटेक्चुलेस अप्रोच अब मुझे कैसे पता कंटेक्सचुलेस अप्रोच क्या है तो वो चीज़ ना बुक से पता लगती है कि ये हिस्टोरिकल अप्रोच के अंडर ही एक टॉपिक है अगर आपको मार्केट में भी ये पता करना है ना कि अच्छा मटेरियल कौन सा है बस एक सिंपल सी चीज़ देख जाना क्या ये क्वेश्चन जो यू ने पूछे हैं ये उस मटेरियल से सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे अगर आपको लगता है कि मार्केट में अवेलेबल मटेरियल ये क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा है इसका मतलब दैट इज़ गुड टू गो ठीक है अगर नहीं कर पा रहा है तो फिर आपको थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा फिर कंसर्न वाली बात है फिर आप खुद से नोट्स बनाने की प्रैक्टिस करो ठीक है अब एक चीज़ और है मार्केट में ना कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन की भी बुक्स अवेलेबल हैं बट उसमें भी आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि क्या वो क्वेश्चन जो पूछा गया है वो उसी का सॉल्यूशन दिया हुआ है या फिर एक जनरल सॉल्यूशन है क्योंकि जब भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है आपको बिल्कुल उस क्वेश्चन के हिसाब से ही आंसर करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंस ऑफ बिहेवियरल अप्रोच पूछा है तो सिर्फ आप बिहेवियरल अप्रोच का इंट्रोडक्शन दे दोगे वो चीज़ नहीं चल पाएगी अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ बिहेवियरल अप्रोच वॉट लेड टू इट्स डिक्लाइन तो आपको इस इन दोनों लाइन्स पर ही आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा ये दो का क्वेश्चन था एक चीज़ आप देखो जैसे यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने देखा कैसे बिल्कुल रिपीटेटिव क्वेश्चन है है ना रिपीटेटिव नेचर के हैं सारे क्वेश्चन नॉर्मेटिव वर्सेज एम्पेरिकल दो में पूछा दो में नॉर्मेटिव वर्सेज एम्पेरिकल दोबारा पूछ लिया दो में नॉर्मेटिव पूछ लिया इसका सिग्निफिकेंस ठीक है तो ये क्या रिपीटेड अगर मेरे को ये पता लग जाता उस टाइम पर कि क्वेश्चन इससे रिपीट हो रहे हैं तो फिर मैं ये थोड़ी ना गाना गाती कि ये कि पता नहीं क्या होता है यूपीएससी में पता नहीं क्या पूछ लेता है अरे यही तो पूछ रहा है जो ऑलरेडी पूछ चुका है अब ये भी नहीं पढ़ के जा सकते तो फिर क्या फ़ायदा हुआ है ना तो क्वेश्चंस बहुत ही रेपिटेटिव नेचर के हैं इधर उधर फालतू टेस्ट सीरीज में मैंने तो नहीं आ, अपना टाइम वेस्ट किया है मैंने बहुत ही सिंपल स्ट्रैटजी फॉलो की थी जो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुके हैं बहुत रिपीटिव नेचर के हैं यूपीएससी बार बार वही सेम क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैंने तो वही सेम क्वेश्चन उठाए वही टॉपिक्स उठाए हैं और उन्हीं की बार बार प्रैक्टिस कर करके देख ली है कि टाइम लिमिट के अंदर अंदर मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए जो मैं रट के गई हूँ बिल्कुल समझ के पढ़ के गई हूँ उसको बार 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 उसको इतनी बार लिख के देखना है कि आपको बिल्कुल आपके जहन में बैठ जाए क्योंकि इतना इतना बड़ा है ना सिलेबस उसका पर क्वेश्चनस ना वही गिने चुने हैं जो रिपीट हो रहे हैं तो आप अगर उन्हीं सेम चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे तो एग्ज़ाम में याद रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपको पता होगा मैंने यही पढ़ा है यही लिख के आना है बट अगर आप इस टाइप से प्रिपरेशन करोगे ना कि पता नहीं टेस्ट सीरीज अलग अलग रैंडम फॉलो करके उस हिसाब से अगर प्रिपरेशन रखोगे तो फिर क्या होगा कि अभी कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ लेगा तो वो आपको उस टाइम पर आपको पढ़ना भी है समझना भी है उसका स्ट्रक्चर भी बनाना है उसको फिर लिखना भी है और लिखना भी ऑन पॉइंट है वो एक टाइम टेकिंग चीज़ है और एग्ज़ाम में टाइम नहीं होता 2011 का आप देखो जैसे 2021 में अभी क्वेश्चन पूछा था इंपॉर्टेंस ऑफ बिहेवियरल अप्रोच 2011 में सिग्निफिकेंस ऑफ बिहेवियरल रेवोल्यूशन फिर 1998 में व्हाट इज़ मेंड बाय बिहेवियरल अप्रोच ठीक है और बिहेवियरल अप्रोच को इन इसने मार्क्सिस अप्रोच से थोड़ा सा काउंटर एक्ट करने की बात की थी फिर 1992 में पूछा था लिमिटेशंस ऑफ बिहेवियरलिज्म फिर 91 में नॉर्मेटिव वर्से बिहेवियरल अप्रोच पूछा 2016 में पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच पूछा 2000 में पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच पे ही पूछा बेसिकली पोस्ट बिहेवियरल वर्सेस बिहेवियरल रेवोल्यूशन का डिफरेंस एक पूछा था फिर 1999 में पूछा था अगेन बिहेवियरल पोस्ट बिहेवियरल अप्रोचेस को एनालाइज करने के बारे में पूछा था लिमिटेशंस और इसको इवेल्यूएट करना है फिर नाइनटीन uh, नाइन्टी में पूछा था बेसिक एक्जम्शंस ऑफ बिहेवियरिज्म इन वॉट वे पोस्ट बिहेवियरिज्म डिफर्स फ्राम बिहेवियर थ्योरी अगेन है ना 1995 में पूछा था फैक्ट वैल्यू डाइकोटमी इन पॉलिटिकल साइंस ये भी पोस्ट बिहेवियरिज्म का ही टॉपिक है तो टू वॉट एक्सटेंट हैज़ पोस्ट बिहेवियरलिज्म रिजॉल्व द इन डाइकोटमी तो यहाँ पर भी आप फैक्ट वैल्यू डाइकोटमी में भी आप बिहेवियरल वर्सेज पोस्ट बिहेवियल के ऊपर ही है टॉपिक जब हम टॉपिक वाइज भी पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको मैं समझा दूंगी ये चीज ठीक है तो ये थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चन का नेचर बिल्कुल रेपिटेटिव है तो इधर उधर फालतू के टॉपिक्स पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट मत करना जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उसी को ही आप नोट्स बनाओ उसी को ही बार बार लिख लिख के देखो रटो जो मर्जी करो इसी को ही आपको अच्छे से करके जाना है ठीक है प्रिपेयर करो इसको अच्छे से फिर अब स्ट्रक्चर और सिलेबस डाइसेक्शन हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनना चाहिए कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं तो यूनिट वन है पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग एंड अप्रोचेस मीनिंग में हम पढ़ेंगे व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी तो सबसे पहला तो यही आएगा इंट्रोडक्शन दोगे पॉलिटिकल थ्योरी होती क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का डेवलपमेंट कैसे हुआ था तो अभी क्वेश्चन आया था ना एक डेवलपमेंट बताना है पॉलिटिकल थ्योरी का और चेंजिंग एनालिटिकल पर्सपेक्टिव बताना है तो वो आपका यहीं से सॉल्व होगा फिर कुछ thinkers हैं उनके पर्सपेक्टिव आप बताओगे इंपॉर्टेंट थिंकर्स कौन से हैं जैसे सिबाइन है बाकर है, जॉन प्लेमेंट जिन पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं फिर नीड क्या है पॉलिटिकल थ्योरी की क्या जरूरत है हमें क्यों आनी चाहिए तो ये क्वेश्चन तो पूछे गए हैं बट ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया बट एक प्रॉबेबल क्वेश्चन बनता है क्योंकि आप राजीव भार्गव की बुक उठाना उसमें आप ये देखोगे कि नीड फॉर पॉलिटिकल थ्योरी एक पूरा पूरा टॉपिक है तो अगर अभी तक नहीं पूछा है, पूछ लेगा कभी ना कभी तो राजीव भार्गव की बुक्स में से ही ये नीड फॉर पॉलिटिकल थ्योरी मिला था डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी मिला था और रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी मुझे मिल गया था तो मैंने ये तीन टॉपिक्स लिख लिए थे और बाई चांस वो टॉपिक्स एग्जाम में भी आ गए थे ठीक है तो एक्जैक्टली exactly यहीं से ही उठाए हुए हैं तो मैं तो आपको यही रेफर मतलब सजेस्ट करूंगी कि सिर्फ ओपी गोबा और एंट्री एंट्रीवुड से काम तो नहीं चलेगा तो कुछ और बुक्स तो रेफर करनी ही पड़ेंगी शुभ रंजन मैम के नोट सिर्फ दो बुक्स पर भेज बेस दें बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है आंसर नहीं नि, निकल रहे हैं उससे आप चेक करके देख लेना खुद ही अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है गुड फॉर यू ठीक है बाकी अगर आपको लगे कि आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो आई वुड सजेस्ट मतलब मैं जेनरली इस चीज पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रही हूँ कि अगर आपको लगता है आपके पास टाइम है प्लीज अपने नोट्स खुद बनाना उससे याद हो जाएगा एग्जाम निकल जाएगा हमारा इन दी एंड मेन एम यही है कि एग्जाम निकलना चाहिए चाहे जो मर्जी हो ठीक है नीड फॉर पॉलिटिकल थ्योरी में ये सब हेडिंग्स बनाई थी उस टाइम पर कि एज हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट एनालिटिकल अप्रोच हम देखेंगे इसका क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट देखेंगे नीड फॉर पॉलिटिकल थ्योरी का स्ट्रक्चरिंग पॉलिटिकल प्रोसेसेस पॉलिटिकल थ्योरी इज ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ साथ बता दूंगी कि इसमें सब हेडिंग कौन सी इंपॉर्टेंट है फिर आप पोलिटिकल क्राइसिस पर बात करोगे इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है इस वजह से हम लोग ये पढ़ रहे हैं डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी है अब अच्छा एक चीज और है कोई भी हम टॉपिक पढ़ते हैं ना तो उसमें एक ना एक उसका बहुत फेमस थिंकर होता है ऐसे तो थिंकर बहुत सारे हैं है ना हर एक टॉपिक आप पढ़ जाओ उसमें बहुत सारे थ्योरी ऑफ जस्टिस है कितनी लोगों ने थ्योरी ऑफ जस्टिस दी है पर आपको पता है ना एक फेमस बंदा कौन है रॉल्स है उसका फेमस बंदा सबसे ज्यादा तो आपको पता है जब थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात आएगी ना हमें रॉल्स तो पढ़ना ही पढ़ना है उसके बिना काम नहीं चलेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें से क्वेश्चन पूछ लेगा ऐसे ही हर एक टॉपिक का ना एक फेमस थिंकर होता ही होता है उसको आपको जरूर पढ़ के जाना है जैसे डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की हम बात कर रहे हैं तो डेविड ईस्टन का जरूर आपको पढ़ के जाना है ठीक है। डेविड ईस्टन कंसेप्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी फॉर द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी गिवन बाय डेविड ईस्टन। ये दो हेडिंग्स में आप पढ़ जाना और उसके बाद तो पीरियड है री, कुछ तो थिंकर्स बता दिए वो चीज आप पढ़ सकते हो ठीक है ये आपका स्ट्रक्चर था किस चीज का सिर्फ मीनिंग का स्ट्रक्चर था ये इसमें अभी कुछ और बात नहीं हुई सिर्फ मीनिंग बताया हुआ कि ये जो पूरा यूनिट है ना इसका जो पहला पार्ट है मीनिंग इसका सब हेडिंग्स हैं ये सारी इस पे आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है खुद बना सकते हो नोट्स वेल एंड गुड अब नेक्स्ट है अप्रोचेस वाला पार्ट ठीक है तो अप्रोचेस को हम कुछ इसको दो पार्ट्स में सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे पहला है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच दूसरा मॉडर्न अप्रोच ट्रेडिशनल में आएंगी ये वाली नॉर्मेटिव हिस्टोरिकल इंपेरिकल लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच मॉडर्न अब इसमें ट्रेडिशनल अप्रोचेस में से सिर्फ लीगल इंस्टीट्यूशन में से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है बट पूछ भी सकता है अब ये कहां से पता लगा ये सिंस ना सिलेबस में लिखा है ना यूपीएससी ने आज तक 40 सालों में क्वेश्चन पूछा है बट ये चीज किताबों से हमें मिली है इस वजह से हम जब मैं नोट्स बना रही थी तो इस वजह से मैंने अपने नोट्स में ये लिख लिया कि अभी तक नहीं पूछा है क्या पता आगे पूछ ले है ना तो इस वजह से हम ये पढ़ रहे हैं फिर मॉडर्न अप्रोचेज में दो तरीके की अप्रोच आएंगी बिहेवियल अप्रोच पोस्ट बिहेवियल अप्रोच बिहेवियरिज्म में और आप सिस्टम अप्रोच स्टक्चर फंक्शनल अप्रोच में इसको और डायसेक्ट कर दोगे बट ये दोनों हम लोग ना पेपर टू में पढ़ेंगे कंपेरेटिव वाली में ना इसका बहुत, बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इन रिलेशन टू कम्पेरेटिव पॉलिटिक्स और वो पेपर भी बहुत गंदा सा रखता है तो वो काफी डिफिकल्ट लगता है कम्पेरेटिव पॉलिटिक्स ठीक है बट स्टिल इंपॉर्टेंट है सिस्टम अप्रोच स्ट्रक्चर फंक्शन अप्रोच में से दोनों में से क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं तो करना तो पड़ेगा अब ट्रेडिशनल अप्रोच में से मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन हैं जैसे नॉर्मेटिव अप्रोच पहली है ये जो हमने बताई है नॉर्मेटिव अप्रोच है इसमें आप पढ़ोगे पहले इंट्रोडक्शन दोगे कोई भी अप्रोच कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है ना सबसे पहले तो आप उसको ये लिखोगे भैया होती क्या है ये नॉर्मेटिव अप्रोच जिसको फिलोसफिकल अप्रोच भी कहते हैं बेसिकली तो आप इंट्रोडक्शन दोगे ये है क्या फिर इसकी जरूरत क्या सिग्निफिकेंस क्या है इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्मेटिव अप्रोच मैंने आपको भी दिखाया था फिर आप बताओगे डिफरेंस बिटवीन नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल थ्योरीज ये सिंस यूपीएससी uh, ने क्वेश्चन पूछा है इसलिए हमने ये सब हेडिंग डाली फिर थिंकर्स कुछ है अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है थिंकर्स पर आप डाल दोगे क्रिटिसिज्म है नॉर्मेटिव अप्रोच का तो भाई इम्पेरिकल वालों ने तो खूब क्रिटिसाइज किया है ये तो आप जब एम्पेरिकल अप्रोच भी पढ़ोगे ना तो भी आप इसमें बहुत पॉइंट्स ये पढ़ोगे कि इम्पेरिकल वाले इस चीज पे बात करते हैं हम नॉर्मेटिव नहीं है हम नॉर्मेटिव नहीं है नॉर्मेटिव वाले तो ऐसे करते हैं ये वो तो ये इन लाइंस पे आप बात करोगे तो क्रिटिसिज्म किस किस ने दिया क्या क्रिटिसिज्म दिया हुआ है नॉर्मेटिव अप्रोच का वो देखेंगे और कंक्लूड कर देंगे अब ये सेम चीजें सभी चीजों में चलेंगी हिस्टोरिकल अप्रोच पे देखो तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन एस सच डायरेक्ट तो नहीं पूछा हुआ है बट स्टिल आपको पढ़ना तो पड़ेगा इसका इंट्रोडक्शन वगैरह आप पढ़ के जाओगे इन्हीं सेम लाइंस पर थोड़ा थोड़ा पढ़ जाना क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा कुछ पूछा नहीं है बट कंटेक्चुअल अप्रोच पे क्वेश्चन पूछा था तो इसलिए आपको दो अप्रोच पढ़ के जानी है टेक्चुअल और कंटेक्चुअल और इन दोनों का डिफरेंस भी पढ़ जाना फिर एम्पेरिकल अप्रोच अगेन पूछा है उस पर क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पूछ ही चुका है नॉर्मेटिव वर्सेज एम्पेरिकल अब इम्पेरिकल डायरेक्ट भी पूछ सकता है फिर लीगल अप्रोच है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इस पर क्वेश्चन तो नहीं पूछा बट बुक्स में दिया हुआ है अप्रोचेज में तो इसलिए हमने ये लिखा है फिर कुछ मॉडर्न अप्रोचेज आती हैं दो अप्रोचेज हमने डिवाइड किया है इसको बिहेवियल अप्रोच और पोस्ट बिहेवियल अप्रोच बिहेवियरलिज्म जो है उसमें आएगा पहला इंट्रोडक्शन आप लिखोगे ओरिजिन क्या है पूरा कंसेप्ट क्या है कौन से थिंकर्स हैं इसमें इंपॉर्टेंस क्या है बिहेवियल अप्रोच की लिमिटेशंस क्या कंक्लूजन ठीक है इस चीज़ को आप पूरा कवर कर लोगे उसके बाद पोस्ट बिहेवियरिज्म इंट्रोडक्शन लिखोगे मीनिंग क्या है इसका कॉजेस ऑफ एमरजेंस क्या, है, क्या, है, इसका, क्या है, में, एक नया है या फिर एंटी बिहेवियरिज्म है इस पर लिखोगे क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए ये सारे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना पिछले 40 साल में इन टॉपिक्स में से ये सारे आपके ना इन सब हेडिंग में से सॉल्व हो जाएंगे फिर एक चीज है पोस्ट बिहेवियरिज्म इंडिया ये मैंने टॉपिक इसलिए डाला था क्योंकि पूछा तो नहीं हुआ बट आप जब भी कोई टॉप कोई भी क्वेश्चन आता है ना मान लो पोस्ट बेहवियलिज्म का क्वेश्चन आया अगर उसमें मैं थोड़ा सा इंडियन पर्सपेक्टिव ऐड कर दूंगी ना वो भी कंटेम्प्रेरी में से तो फिर मेरा आंसर ना बहुत अच्छा हो जाएगा ज्यादा नंबर मिलेंगे वो चीज़ एक डेफिनेट बात है फिर क्रिटिसाइज करके इसको कंक्लूड करना है बस ठीक है ये आपको लिखना है तो इंडियन कंटेक्स में थोड़ा सा लिख देना तो बहुत अच्छा रहेगा और अब मैं बात कर लेती हूँ थोड़ा सा कि हमें बुक्स कौन सी रेफर करनी है जो सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं तो सबसे पहले तो सबाइन का जो क्वेश्चन है उसके लिए आप अ, मेरे हिसाब से आप जी एस सबाइन रेफर करो और हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट बाय पब्लिकेशन की एक किताब है ये आप अ, पढ़ जाना तो जो आप सबाइन वाला पार्ट है ना पूरी किताब तो पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है ना तो सिर्फ जो सबाइन वाला पार्ट रहेगा उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है हमारा सिर्फ उन लाइन्स पे पढ़ जाना और उसके आगे पीछे थोड़ा सा देख जाना कि क्या लिखा है तो एक जनरल सेंस में ना आपको पता होना चाहिए तो exactly सेंस क्या, exactly, क्या, क्या, क्या चाहता था ठीक है बस फिर अर्नेस्ट बाकर का क्वेश्चन था एक उसके लिए किताब है थॉट ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल ये चीज है ना कोई नहीं बताता यू मैं प्रिपेयर कर रही थी मेरे को किसी ने नहीं बताई मेरे को एक प्रॉब्लम समझ में आई मैंने आपको बता दी सिंपल ठीक है आपको लगता है ये चीज आपके लिए आ, फायदा करेगी गो फॉर इट और आपको लगता है नहीं फायदा करेगी ठीक कोई दिक्कत नहीं है आप जैसे प्रिपेयर कर रहे हो फिर उन लाइन्स पर आप प्रिपरेशन रख सकते हो बट स्टिल जिन लोगों को आप लगता है कि फायदा नहीं करेगी उन लोगों को भी मैं फिर फोर्स करके सजेस्ट करूंगी भाई प्रीवियस एयर क्वेश्चन तो करके ही जाने है बिल्कुल कुछ नहीं है इसके इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है कुछ भी फिर डिक्लाइन और रिसर्जेंस वाला क्वेश्चन है राजीव भार्गव की किताब है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन ही वॉज ऑल्सो माई प्रोफेसर तो इनकी किताब में से काफी क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी में तो ये तो पूरा पूरा क्रेडिट इनको जाता है फिर नेक्स्ट सुशीला रामास्वामी की बुक है पॉलिटिकल थ्योरी आइडियाज एंड कंसेप्ट एक्सेलेंट बुक है सुशीला रामास्वामी की बुक से अच्छी किताब ना मुझे बहुत कम दिखी है अभी तक तो मेरी फेवरेट बुक है ये वाली तो ये जरूर आप एक बार पढ़ के जाना बहुत अच्छे टॉपिक्स बहुत ही ना सिंपल लैंग्वेज में लिखा है और आप ट्राई करो एग्जाम में जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो आपको ना बहुत हाई फाइल लैंग्वेज बहुत ऐसी लैंग्वेज नहीं लिखनी है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज लिखनी है अच्छा ए, एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि इंग्लिश मीडियम में तो चलो ठीक है प्रॉब्लम थी बट हिंदी मीडियम वालों के लिए ना बिल्कुल भी को, आ, कोई भी मटेरियल ही अवेलेबल नहीं था तो हमने ये सेम मटेरियल जो हम पी में पढ़ा रहे हैं वो हिंदी मीडियम के लिए भी अवेलेबल कराया ठीक है तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको बाकी हिंदी मीडियम की मुझे बहुत ज्यादा किताबें तो नहीं पता है बट ये हमने नोट्स बनाए हैं इसी का सेम ट्रांसलेटेड मटेरियल आपको ये मिल जाएगा फिर नेक्स्ट ओपी पी गोबा है ठीक है वो चीज़ आपको पढ़ के जानी जरूरी है ओपी पी गोबा में से आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी डेफिनेटली होगी वो चीज़ तो अच्छी किताब है बहुत अच्छी किताब है एक समरी फॉर्म में इसको पढ़ना तो बहुत सही रहेगा हम लोग और दो इसकी समरी बना रहे हैं ताकि अगर स्टूडेंट्स को पढ़ना हो तो उसमें भी टाइम बचे पूरी ओ, ओ, ओपी गौवा पढ़ने की नींद ना पड़े तो वो चीज आप देख लेना फिर बीके गोखले की एक बुक है पॉलिटिकल साइंस हिमालय पब्लिकेशन की बुक है वो आप देख सकते हो एस के कपूरी की बुक है पॉलिटिकल थ्योरी की ए सी कपूरी की बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस तो ये सारी किताबें हैं जो आपको इसके लिए रेफर करने की नीड है इसमें से आपके ना यूनिट वन के ही नहीं इनफैक्ट आपकी जो पेपर वन सेक्शन ए का जितना भी टॉपिक्स है ना वो सारे आपके कवर हो जाएंगे मैक्सिमम टॉपिक्स इसमें से बाकी थिंकर्स वाली यूनिट्स के लिए कुछ और बुक्स रहेंगी स्पेसिफिक वो मैं आपको जैसे थिंकर्स वाले टॉपिक पर हम पहुँचेंगे उसमें मैं बता दूंगी बाकी अगर किसी को इतना ताम झमेला नहीं करना तो वन स्टॉप सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर ही रहा है तो वो आप देख सकते हो अपनी सहूलियत के हिसाब से ठीक है बस इतना ही है अगर किसी को कुछ पूछना है कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो अदरवाइज मेल कर सकते हो कॉल कर सकते हो कुछ भी जो भी आपको ठीक लगता है बस मुझे लगा था कि मेर, मुझे एक चीज़ में प्रॉब्लम हुई थी तो मैं बता दूं उस चीज़ को मेरा इतना मोटिव था बस और कुछ नहीं है आप देख लेना बाकी सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑल्सो जस्ट वन मोर थिंग इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग क्या है अभी यूनिट वन का पढ़ा है तो ऐसे ना आपकी सारी ऐसी सीरीज मैं एक एक करके बना रही हूँ जिसमें आपको हर एक यूनिट का मैं आपको इसी टाइप से बता दूंगी कि आपको दो तीन चीजें बस देखनी है उसमें कि यूनिट टू है फॉर एग्जाम्पल उसमें किताबें कौन सी पढ़नी है उसका स्ट्रक्चर क्या है उसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या रहे हैं और उसका सिलेबस के हिसाब से आपको क्या पढ़ना है एक चीज जरूर नोट करना जो चीज सिलेबस में लिखी है ना उसको तो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड पढ़ ही जाना उसमें तो कुछ भी मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी लिखा है यहाँ पर थ्योरी ऑफ स्टेट तो लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो तो एक अलग चीज है सबसे पहले तो आप ये पढ़ जाओ लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट होती क्या है उसके बाद उसके अंदर के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे ठीक है तो ये सिलेबस में एग्जैक्टली exactly जो टॉपिक लिखा है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है जब मीनिंग पूछा है इज पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग पूछा है ना पॉलिटिकल थ्योरी का तो व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी तो पढ़ना बहुत जरूरी है फिर अप्रोचेस लिखा है तो अप्रोचेस अप्रोचे कौन कौन से अप्रोचेस हैं पॉलिटिकल थ्योरी की ये चीज़ें आप पढ़ लेना प्लीज ठीक है चलो ठीक है फिर ओके